नेशनल हाईवे 44 पर मौजूद बड़ी औद्योगिक इलाके में गेट नंबर 2 पर अधजली हालत में एक शव बरामद हुआ है, जिसे देखकर लगता है कि मानो किसी ने हत्या करने के बाद सबूत मिटाने के लिए उसे आग के हवाले किया हो। सुबह राहगीरों ने पुलिस को फोन कर सूचना दी, जिसके बाद आला अधिकारियों के साथ पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। प्राथमिक जांच में पुलिस ने आशंका जताई है कि युवक को शराब पिलाई गई है और उसके बाद में उसकी हत्या कर उसके शव पर आग लगाई गई। देखने में शव किसी प्रवासी मजदूर का लग रहा है। एफएसएल की टीम को मौके पर बुलाकर सबूत जुटाए जा रहे हैं। 112 डायल सेवा को पता लगा था कि जो गन्नौर में बड़ी फैक्ट्री एरिया है SSIDC का, वहाँ पे जो खाली एरिया है जहाँ पर वेस्टेज वगैरह डाला जाता है फैक्ट्रियों का, उस पे सुनसान स्थल है, तो यहाँ पे किसी बंदे को जला दिया गया है। जली हुई डेड बॉडी, बर्न्ट डेड बॉडी पड़ी हुई है। तो इस सूचना पर अब मौके पे पहुँचे हैं, हमारे साथ एफएसएल टीम आई हुई है, CIA की सभी टीमें, SHO सभी टीमें यहाँ पर मौजूद हैं। तो प्रथम दृष्टया देखने से लगता है कि इसका किसी के साथ झगड़ा हुआ है, क्योंकि जो पगडंडी बनी हुई है इसके साथ से वहाँ ब्लड पड़ा दिख रहा है। और आगे फिर जहाँ वेस्टेज पड़ा है, जो फैक्ट्री का वेस्टेज होता है, वो उसके ऊपर डाल के और इसको जलाया गया है, सबूत नष्ट करने के उद्देश्य से जलाया गया है। प्रथम दृष्टया लगता है कि ये कोई प्रवासी मजदूर है और इसके साथ ये मिस अपनी घटना घटी है। हमने केस रजिस्टर कर लिया है और सारी टीमें मौके पर मौजूद है, कोशिश करेंगे कि इसकी शिनाख्त हो जाए। शिनाख्त के लिए आसपास के जो फैक्ट्रियां हैं उनके मालिकों से संपर्क किया जा रहा है और बड़ी गांव में जितने भी लेबर तबके रहते हैं, जहाँ किराया पर रहते हैं, उनके मालिकों से हम संपर्क कर रहे हैं। तो जल्दी आशा है कि इसको जो ये घटना घटी है इसको हम जानकारी के मुताबिक पहले इस शख्स का किसी के साथ झगड़ा हुआ है और बाद में उसकी हत्या कर शव में आग लगाई गई है। हालांकि अभी तक शव की पहचान नहीं हुई है। शव की पहचान के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और मामले की गहनता से जांच की जा रही है। इसके लिए आसपास की फैक्ट्रियों के मालिकों और प्रवासी मजदूरों की बस्तियों में जानकारी दे दी गई है। गन्नौर से कुलदीप शांडिल्य, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।